हरी हरि ओम। दिल में ज्योतिष लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मकान वास्तु पर। वास्तु शास्त्र से आप मकान बनवा लेते हैं और उसके बावजूद आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। किसी बिल्डर ने कहा, ये वास्तु से डिजाइन किया हुआ, वास्तु के द्वारा बनाया हुआ फ्लैट है, आपने खरीद लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप लंबे समय से किसी मकान में रह रहे थे, कोई वास्तुशास्त्री आपको मिला, विद्वान वास्तुशास्त्री आपको मिले और आपका वास्तु 16 डिग्री पर, मतलब 16 जोन में विभक्त करके उसको सेट भी कर गए, सामान भी सही लगा गए, मगर फिर भी फायदा नहीं मिला। या आपने नया प्लॉट लिया, उसके बाद महावास्तु उसको 8 जोन में, 16 जोन में बांट करके उसको और बड़ी बड़ी डिग्रियों में निकाल करके भी आपने रास्ते बनाए, किचन बनाई, सब कुछ किया। कुछ समय बाद देखा आपने, आपको उतना फायदा नहीं मिल रहा, आप वैसे के वैसे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। कारण है आपकी जन्म कुंडली, आपका जन्म कहाँ और कैसे हो रहा है। देखो, कई बार एक बीज कहाँ बोया जाना था और कहाँ उगाया, वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो हिमाचल पर्वतों में पैदा होने वाले फल हैं, वो कभी यहाँ पर प्लेन्स में नहीं होते, ना राजस्थान में होते, ना दिल्ली के आसपास के वातावरण में होते, और यहाँ के जो फल फ्रूट है वो कभी भी हिल स्टेशनों पर या अन्य देशों में नहीं होते, क्योंकि वो जो बीज है, आपको डिसाइड किया गया है आप कहाँ रहेंगे। आपकी कुंडली सब प्रथम तो ये डिसाइड कर लेती है कि आप अपने घर बार से, यानी कि जहाँ आपका जन्म हुआ है, उससे दूर रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब आप उससे दूर ही नहीं रहेंगे तो चाहे कितना ही अच्छा वास्तु का मकान बना लें तो भी आप वहाँ पर फल नहीं पाएंगे। जिस प्रकार एक बीज कहीं बो तो दिया जाए, मगर वो उतना पनप नहीं पाएगा अपनी जलवायु के कारण, जो उसकी जलवायु उसको मिलनी चाहिए, और पौधा मर जाएगा, फल नहीं दे पाएगा। ऐसे ही इंसान की कुंडली निर्धारित करती है वो अपने घर बार से कितना दूर रहे, कहाँ जा कर के रहे, जो वो उसका जो फल मिलने हैं जीवन में, रुपया पैसा मिलना है, वो मिलने लगे। तो यानी कि शहर डिसाइड होगा उसके लिए पहले, फिर उसके बाद उसकी कुंडली से ये देखा जाएगा कि उस शहर में भी वो कैसी लोकेशन में रहे। अब चारों दिशाएं हैं, दिशा तो चार ही है, उसको 8 भाग में तोड़ दो, 32 भाग में तोड़ दो, रहेंगी तो चार ही दिशाएं हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर जब रह रहे हैं तो हमारे आमने सामने चार ही दिशाएं काम कर रही हैं। आकाश और पताल वो मकान पर इतना काम नहीं कर रहा जितना चार दिशाएं कर रही हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसको भी और थोड़ा सा देख लें तो अन्य चार कोनों की दिशाएं, यानी कि 8 दिशाएं आ जाएंगी, ये दिशाएं आप पर काम कर रही है। कुंडली आपको सर्वप्रथम ये बताएगी कि आपका मकान, आपने बहुत अच्छा कॉर्नर का प्लॉट ले लिया, लोकेशन का ले लिया, सड़क का ले लिया, चौराहे के आसपास का ले लिया, आपने वास्तु से उसको डिज़ाइन भी कर लिया, उसके बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहे। उसका कारण है कि आपकी कुंडली तो निर्धारित ही नहीं है, आपका जीवन मार्केट के आसपास रहे, चौराहे के आसपास रहे, तो वास्तु क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। दूसरा आ जाता है कि मकान चारों तरफ से कितना खुला होना चाहिए, कितनी धूप आनी चाहिए, ये सब चीज़ कुंडली डिसाइड कर रही है कि आपका आंगन खुला हुआ नहीं है तो आपकी जो चमक है वो खत्म होती जा रही है। आपकी कुंडली में रोशनी पीछे से आ रही है तो नुकसान दे रही है, कौन सी दिशा से रोशनी आनी चाहिए ये निर्धारित करेगी कुंडली। वास्तु तो बहुत बाद का स्टेप है, पहले डिसाइड करना है कैसा प्लॉट आपके जीवन में अच्छा रहेगा, कहाँ जीवन में अच्छा रहेगा, बंद गली में, कॉर्नर पर, चौराहे पर, कहाँ। फिर उसके बाद प्लॉट की बात आ जाती है कि आपके जीवन में गौमुखी प्लॉट अच्छा रहेगा कि शेरमुखी प्लॉट आपके व्यापार को बढ़ाएगा। आपके प्लॉट में अगर कोई कट है, कोना है,
तो महावास्तु से उसको ठीक तो कर दिया जाएगा पत्ती लगा करके करके, मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके जीवन में एक कट वाला प्लॉट आ चुका है। तो इस प्रकार महावास्तु या कोई भी ज्योतिष है जो वास्तु की से डिजाइन तो कर लेंगे, मगर लाल किताब इल्म ज्योतिष कुंडली के ग्रह बताएंगे कि आपके जीवन में कौन सी दिशा का मकान अच्छा है, पश्चिम मुखी कौन सी ग्रह वाले को अच्छा रहेगा, पूर्व मुखी कौन से दिशा को अच्छा रहेगा, दक्षिण में कौन पनपेगा, उत्तर में कौन पनपेगा। उत्तर मुखी प्लॉट ले लिया, आपका व्यापार चौपट होता जा रहा है, जबकि उत्तर मुखी प्लॉट पर बना हुआ वास्तु का मकान व्यापार को अच्छा कर रहा था, मगर आपकी कुंडली के ग्रह ऐसे नहीं थे। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में ऐसे ही ग्रहों का अध्ययन करके आप कैसा प्लॉट लें, कहां पर लें, कौन सी दिशा का लें, उसके बाद निर्धारित होगा कि आपको ये फल देगा या नहीं देगा। आपने वास्तु से उसको ठीक करा लिया, नक्शे को बनवाया, मकान बनवाया, मगर क्या हुआ, 5-10 साल 15 साल में आप परेशान होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में उस दिशा का मकान शुभ था ही नहीं, कोने पर शुभ था ही नहीं, बंद गली में शुभ था ही नहीं, यहाँ तक कि जो उसमें कट और कोने जो निकले हुए हैं उसको किसी भी प्रकार से पूरा करने की कोशिश तो करी गई, मगर वो पूरा नहीं हो पाएगा। पीछे से खुला, दाएं से खुला, आसपास खुला, पार्क सामने, ये सब चीज़ इल्म ज्योतिष लाल किताब से अध्ययन से पता चलता है। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप जब भी मकान बनाएं, मकान खरीदें, या किसी मकान में आप रह रहे हैं, वास्तु कराने के बाद भी आप परेशान हैं, तो किसी अनुभवी लाल किताबी से सलाह लें कि आपका कौन सा ग्रह वहाँ पर उस मकान में शूट नहीं कर रहा है, उसके उपाय करें, उसका समाधान करें, जब ही लाभ होगा। इल्म ज्योतिष की आज की कड़ी में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। हरी हरी ओम।